आप लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐड हो चुके हैं न्यू चीट कोड्स। तो भाई जस्ट अभी अभी मुझे पता चला है अपने गेम को जो है दोबारा से अपडेट आ चुका है। मतलब अभी तो 3-4 दिन पहले अपडेट आया था, लेकिन गाइस यहाँ पर दोबारा से जो है अपडेट आ चुका है। देखो प्ले स्टोर पर मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर मैंने गेम का नाम सर्च किया एंड देखो यहाँ पर जो अपडेट शो कर रहा है और यहाँ पर डेट भी लिखी है 5 अप्रैल को आया है, मतलब आज ही आया है अपने गेम का अपडेट। तो चलो गाइस अब मैं आप लोगों को जो यहाँ पर न्यू चीट कोड्स बता देता हूँ जो कि अपने न्यू अपडेट में आए हैं। देखो यहाँ पर कितनी सारी चीजें आई है, मतलब रोबोट आया है, बस भी आई है और भी काफी सारी चीजें आई है। तो चलो मैं यहाँ पर जो है आप लोगों को एक एक करके चीट कोड बताना स्टार्ट करता हूं। लेकिन गाइस अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए गाइस विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑल राइट गाइज, देखो यहाँ पर गेम को मैंने स्टार्ट कर लिया और भाई अपने न्यू अपडेट में ये काफी सारी चीजें, देखो यहाँ पर न्यू सीक्रेट चीट कोड जो है स्पॉन हो चुकी हैं, मतलब इनको जो है मैंने स्पॉन करा दिया। अब क्या है इनका कोड, चलो मैं आप लोगों को एक एक करके बताना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा इस आरजी स्टोर में जो है क्या क्या ट्रिक्स आई है। जैसे गाइज आप लोग जो है इसमें कुछ प्रॉप्स में न्यू आइटम देखने को मिले, अगर आप लोग गाइज यहाँ पर P4 डायल करते हो तो देखने यहाँ पर क्या आएगा। गाइज यहाँ पर आ जाएगी अपनी न्यू लाइट, देखो न्यू लाइट स्पॉन हो चुकी है। और गाइज अगर आप लोग यहाँ पर डायल करते हो W3, देखने यहाँ पर क्या आएगा। मैंने W3 डायल किया यहाँ पर, तो भाई इससे स्पॉन हो चुकी अपनी गाइस न्यू वॉल। यहां पर देखो एक अपनी नई दीवार आ चुकी है जो कि अपना लोहे का जाल लगा हुआ है इसके ऊपर। लेकिन भाई अभी देखो एक यहां पर जो एक सबसे खतरनाक चीज आई है, वो क्या है, जैसे मान लो आप लोग गाइस यहां पर एक घर को स्पॉन कराते हो। देखो यहां पर जो है मैंने एक घर स्पॉन करा दिया H1 से। अगर आप लोग जो है गाइस इसको भगाना चाहते हो तो आप लोग करने क्या गाइस, आप लोग को आरजेस टूल में आना है और यहां पर गाइस आप लोग को डायल करना है आरजेस मोड ऑन। जी हां गाइस, आप लोग को आरजेस मोड ऑन लिख देना है। यहां पर देखो मैंने जो है डायल कर दिया है और मैं एंटर कर देता हूं। अब क्या करना है गाइस आप लोगों को, अब आप लोगों को गाइस कोई भी गन को चूज करना है। तो यहां पर गाइस मैं चूज करता हूँ अपनी पिस्टल, ये मैंने पिस्टल चूज कर लिया। अब देखना यहाँ पर क्या होगा, सामने अपनी वॉल है इसके ऊपर मैं चलाता हूँ। तो भाई ये देखो क्या हुआ गाइस, इसका खतरनाक मैजिक हुआ, यहाँ पर वॉल ही गायब हो गई। इधर है गाइस अपने स्टॉपर, इस पे चलाता हूँ मैं, स्टॉपर मैंने चलाया और भाई स्टॉपर भी गायब अपना। सामने यहाँ पर एक इधर लाइट है, उस लाइट पर चलाता हूँ मैं, इस पे भी चलाया भाई ये भी गायब। और सामने गाइस मुझे यहाँ पर एक लाइट और देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर मैं गाइस नाइट मोड एक्टिवेट करता हूँ, देखते हैं यहाँ पर जो है जलती है क्या। यहाँ पर मैं नाइट मोड एक्टिवेट किया और भाई यहाँ पर तो जल ही नहीं रही, तो इसका फिर क्या फायदा। जहाँ पर जो गाइस मैं फिर से डे मोड एक्टिवेट कर लेता हूँ, मैंने कर दिया। अब यहाँ पर मैं एक चीज ट्राई करता हूँ, देखो इधर बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पर मैं चलाने की कोशिश करता हूँ, देखते क्या होता है। बिल्डिंग के ऊपर मैंने चलाया और भाई साहब बिल्डिंग भी गायब गाइस, यहाँ पर देखो लिटरली बिल्डिंग भी गायब हो चुकी है। सामने घर है, घर पे चलाता हूँ तो यहाँ पर देखो गाइस अपना घर भी गायब हो चुका है। तो भाई ये ट्रिक मुझे जो है सबसे सही लगी यहाँ पर। तो गाइस ये ट्रिक जो है मुझे सबसे ज्यादा सही लगी है यहाँ पर, देखो जिसके ऊपर भी हम गन चला रहे हैं वो गायब हो रहा है। तो चलो गाइस अब जो है मैं आप लोगों को चीट कोड से बताना स्टार्ट करता हूँ। जैसे गाइस फर्स्ट नंबर पर चीट कोड होने वाला है 3005 और भाई साहब आप लोग देखो गाइस यहाँ पर मैंने क्या क्या स्पॉन करा दिया यार, कितनी खतरनाक खतरनाक चीजें जो है मैंने स्पॉन करा दी है। तो इन सभी के भी मैं आप लोगों को चीट कोड बताऊंगा। तो गाइस अभी और गाइस अगर हम यहाँ पर 400 डायल करते हैं तो गाइस इससे आ जाएगी अपनी न्यू बाइक। और गाइस अगर हम यहाँ पर 1210 डायल करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगी गाइस अपनी KTM। तो गाइस नेक्स्ट नंबर पर चीट कोड होने वाला है 4000। यहाँ पर देखो अगर आप लोग 4000 डायल करते हो तो गाइस स्पॉन हो जाएगी अपनी Porsche, यहाँ पर Porsche आ चुकी है। और गाइस अगर आप लोग 2020 डायल करते हो तो गाइस इससे आ जाएगी अपनी Endeavor। देखो यहाँ पर क्या खतरनाक धमाका हुआ है, मतलब दोनों कार जो उछल चुकी है। और गाइस नेक्स्ट नंबर पर जो अपनी कार होने वाली है वो होने वाली गाइस हमर। यहाँ गाइस अगर आप लोग 8880 डायल करते हो तो हमर आ जाएगी। और गाइस अगर आप लोग JCB को लेना चाहते हो तो फिर आप लोग 777 डायल करना है और गाइस यहाँ पर जो है JCB भी स्पॉन हो जाएगी। और गाइस अगर आप लोगों को बुलेरो को लेना है तो 3100 डायल कर देना है, तो यहाँ पर देखो गाइस बुलेरो भी आ जाएगी अपनी। और गाइस अगर आप लोग लेजेंडर को लेना चाहते हो तो फिर आप लोगों को गाइस 1001 डायल करना है और अपनी लेजेंडर भी आ जाएगी। और गाइस अगर आप लोग टार्जन को लेना चाहते हो तो फिर आप लोगों को गाइस 300 डायल करना है और यहाँ पर देखो गाइस टार्जन कार भी स्पॉन हो चुकी है। और गाइस अगर आप लोगों को जो है यहाँ पर Porsche को स्पॉन कराना है, देखो Porsche का चीट कोड मैंने ऑलरेडी बता दिया है जो कि 4000 है। अगर आप लोगों को रोल्स रॉयस को स्पॉन कराना है तो 2000 डायल कर देना है, यहाँ पर देखो गाइस रोल्स रॉयस भी आ जाएगी। और गाइस अगर आप लोगों को रेंज रोवर को लेना है तो फिर 6666 डायल करना होगा, यहाँ पर देखो ये भी आ चुकी है। और गाइस अगर आप लोगों को स्पॉन कराने कोवर बाइक को तो फिर 4444 डायल करना है। और गाइस अगर आप लोगों को स्पॉन कराना है अपनी स्कॉर्पियो को तो फिर 444 डायल करना है। और अगर स्कॉर्पियो को दूसरा मॉडल स्पॉन कराना है तो फिर 333 डायल कर देना है। और गाइस अगर आप लोग कॉइनेक्सिक को लेना चाहते हो तो फिर आप लोग क्या करना है गाइस, आप लोग को 900 डायल करना होगा। जी गाइस यहाँ पर देखो कॉइनेक्सिक आ चुकी है। और अगर गाइस आप लोग न्यू लैम्बोर्गिनी को लेना चाहते हो तो फिर 700 डायल करना। और गाइस अगर आप लोग ओल्ड लैम्बोर्गिनी को लेना चाहते हो तो फिर 3333 डायल करना। भाई बुगाटी के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग को 800 डायल कर देना है और गाइस यहाँ पर स्पॉन हो जाएगी अपनी बुगाटी भी। तो गाइस ये थे कुछ कार्स जिनके जो है मैंने आप लोगों को चीट कोड्स बता दिए। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ बाइक्स के चीट कोड्स।
तो गाइस फर्स्ट नंबर पर अपनी बाइक जो होने वाली है वो अपाची होने वाली है 4050। देखो अपाची स्पॉन हो चुकी है। और गाइस अगर आप लोग यामा वीमैक्स को लेना चाहते हो तो आप लोग को 999 डायल करना है, यामा वीमैक्स आ जाएगी। और गाइस अगर आप लोग यामा FZ10 को लेना चाहते हो तो गाइस आप लोग को 888 डायल करना है, यामा FZ10 भी आ जाएगी। और गाइस अगर आप लोग को डुगाटी डायबल को लेना है तो 777 डायल करना है, अपनी ये भी आ जाएगी। और गाइस अगर आप लोग बनेली TNTY को लेना चाहते हो तो फिर 666 डायल कर सकते हो। देखो बनेली TNT भी स्पॉन हो चुकी है। और गाइस नेक्स्ट कोड होने वाला अपना ट्रॉन का, जी हां गाइस में ट्रॉन भी आती है अपनी, जिसका चीट कोड है 6000। ये देखो ट्रॉन आ चुकी है अपनी, जो कि अपनी बाइक है, इसका चीट कोड है 6000। और गाइस अगर आप लोग साइकिल को स्पॉन कराना चाहते हो तो आप लोग गाइस 1111 डायल करना है और अपनी साइकिल भी आ जाएगी। और गाइस अगर आप लोग घोस्ट राइडर बाइक को लेना है तो फिर आप लोग क्या करना है, आप लोग को 5555 डायल करना होगा, अपनी घोस्ट राइडर बाइक भी स्पॉन हो जाएगी। और गाइस अगर आप लोग ड्यूक 1290 को लेना चाहते हो तो फिर आप लोग 8888 डायल करना है और अपनी ड्यूक 1290 बाइक भी आ जाएगी। और गाइस अगर आप लोग मान लो अगर आप लोगों को गाइस स्कूटी को स्पॉन कराना है तो स्कूटी के लिए गाइस आप लोगों को डायल करना है 0000। और देखो गाइस यहां पर स्कूटी अपनी स्पॉन हो चुकी है। और गाइस अगर आप लोग स्पॉन कराना चाहते हो यामा R15 को, फिर आप लोग क्या करना है 0015 डायल कर देना है और यामा R15 भी स्पॉन हो जाएगी। और गाइस अगर आप लोग को सबसे खतरनाक बाइक चाहिए, मतलब अपनी कावासाकी H2R चाहिए, तो फिर 3000 डायल कर सकते हो। और देखो कावासाकी निंजा H2R भी स्पॉन हो चुकी है। और गाइस पल्सर RS200 को लेना चाहते हो तो 5000 डायल कर सकते हो। और गाइस अगर अपनी हायाबुसा को स्पॉन कराना है तो फिर 7000 डायल करना है। और गाइस अगर आप लोग स्प्लेंडर को लेना चाहते हो तो फिर 9000 डायल करना है। और गाइस अगर आप लोगों को बुलेट को लेना है, मतलब बुलेट जो है पर्सनली मेरी फेवरेट है, अगर आप लोग इसको स्पॉन कराना चाहते हो फिर आप लोगों को गाइस 9999 डायल करना है और ये भी अपनी स्पॉन हो जाएगी। तो चलो गाइस मैं आप लोग KTM के एक और मॉडल का चीट कोड बता देता हूं, जो कि चीट कोड होने वाला अपना 1190। तो यहां पर गाइस अपनी ये KTM स्पॉन हो चुकी है। तो गाइस ये थी अपने गेम में कुछ बाइक्स जिनके चीट कोड जो है मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो गाइस अब मैं आप लोगों को बता देता हूं अटपटे चीट कोड्स। तो अटपटे चीट कोड में गाइस फर्स्ट नंबर पर अपना कोड होने वाला है 00। जी गाइस अगर आप लोग 00 डायल करते हो तो गाइस इससे आ जाएगा अपना फ्यूल टैंक। ये देखो फ्यूल टैंक स्पॉन हो चुका है। और गाइस अगर आप लोग गैस टैंक को स्पॉन कराना तो फिर 0 डायल करना होगा। यहाँ पर गाइस देखो अपने काफी सारे गैस टैंक भी स्पॉन हो चुके हैं। और गाइस अगर आप लोग जो रोड पर NPC वगैरह होते हैं उनको दोगुना करना चाहते हो तो फिर आप लोग गाइस चीट कोड डायल करना है अपना 1234345। यहाँ पर देखो मैंने डायल किया और यहाँ पर गाइस मोर NPC का चीट कोड एक्टिवेट हो चुका है। और गाइस अगर आप लोग यहाँ पर 54321 डायल करते हो तो गाइस जो है मोर व्हीकल का चीट कोड एक्टिवेटेड हो जाएगा। और गाइस अगर आप लोग जो है बोट को लेना चाहते हो तो फिर आप लोगों को 3001 डायल करना है और अपनी बोट भी स्पॉन हो जाएगी। और गाइस अगर आप लोगों को करेक्टर की डेथ करनी है तो यहां पर गाइस आप लोगों को 5x00 डायल करना है और अपने करेक्टर की जो यहां पर डेथ भी हो जाएगी। तो गाइस चलो अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कुछ एनिमल्स के कोड्स। तो गाइस फर्स्ट नंबर पर अपना एनिमल होने वाला है वो होने वाला है वेलोसिरैप्टर। अगर आप लोग 50 डायल करते हो तो अपना वेलोसिरैप्टर स्पॉन हो चुका है, जो कि देखो कहां पर घुस चुका है यार, आप लोग देखो जमीन के अंदर घुस चुका है। यहां पर जो है मैं बाहर ही स्पॉन करा देता हूं। यहां पर देखो मैं यहां पर फिर से डायल करता हूं 50। यहां पर देखो जो है वेलोसिरैप्टर आ चुका है। और गाइस अभी मैं यहां पर आप लोगों को दिखा देता हूं टीरेक्स को। देखो यहां पर मैंने 51 डायल किया, इससे आ चुका है गाइस अपना टीरेक्स। देखो कितना खतरनाक लग रहा है। और गाइस अगर आप लोग यहां पर डायल करते हो 52 तो गाइस इससे आ गया अपना स्पाइनोसॉरस। यहां पर देखो स्पाइनोसॉरस आ चुका है। आप लोग 53 डायल करोगे तो गाइस यहां पर स्पॉन हो जाएगा अपना ब्रासियो। यहां पर देखो ब्रासियो स्पॉन हो चुका है। और गाइस अगर आप लोग यहां पर स्पॉन कराना चाहते हो डॉग को तो फिर आप लोग क्या करना है 600 डायल कर देना है। तो गाइस यहां पर जो अपना डॉग भी स्पॉन हो जाएगा। और गाइस अगर आप लोगों को हॉर्स को स्पॉन कराना है तो फिर गाइस आप लोगों को चीट को डायल करना होगा अपना 200। यहां पर देखो गाइस अपना जो है हॉर्स भी स्पॉन हो चुका है। तो गाइस ये कुछ आप लोग जो है एनिमल्स देखने को मिलते हैं अपने गेम में। तो अब मैं आप लोगों को गाइस बता देता हूं कुछ यूनिक चीट कोड्स। भाई यूनिक चीट कोड में जो फर्स्ट नंबर पर अपना कोड होने वाला है वो होने वाला है गाइस जेट पैक। जी हां गाइस अगर आप लोग 320 डायल करोगे तो गाइस अपना बिग जेट पैक स्पॉन हो जाएगा। और गाइस अगर आप लोग 330 डायल करोगे तो अपना जो है मिनी जेट पैक स्पॉन हो जाएगा। और गाइस अगर आप लोग करेक्टर को जंप कराना चाहते हो, मतलब खतरनाक वाला, तो 1215 डायल करना है। आप देखना अपना करेक्टर का खतरनाक जंप करेगा। ये देखो भाई जो अपना करेक्टर ने जो है पूरे बिल्डिंग के बराबर जंप किया है, लेकिन भाई इस जंप में भी कुछ खास मजा नहीं आया क्योंकि ये जो है अपने लेवल का नहीं है। तो आप लोग क्या करना है गाइस, पहले जो है आप लोग यहां पर इन्फिनिटी हेल्थ का चीट एक्टिवेटेड करना होगा, जो कि अपना 9129 ये मैंने कर लिया है ताकि अपने करेक्टर की जो है डेथ ना हो। अब आप लोग क्या करना है, आप लोग यहां पर 1216 डायल करना है। यहां पर मैंने कर दिया। आप लोग जैसे ही डबल टैप करोगे देखना यहां पर क्या होगा। देखो मैं फिर से यहां पर एक्टिवेट करता हूं, ये मैंने कर दिया एक्टिवेट। और देखो अब यहां पर मैं जैसे ही डबल टैप करता हूं तो देखो गाइस जो अपनी बिल्डिंग है वो भी कुछ नहीं है इस करेक्टर के सामने। देखो क्या खतरनाक जंप किया है, बिल्कुल ऑलमोस्ट बिल्डिंग के बराबर ही किया है। तो देखा गाइस आप लोगों ने क्या मजा आया इस जंप में। तो अगर आप लोग भी इसको करना चाहते हो तो फिर 1216 जो है डायल कर सकते हो। तो गाइस नेक्स्ट नंबर पर
जो अपना चीट कोड होने वाला है वो होने वाला है स्लो मोशन का। जी हाँ गाइस, आप लोग स्लो मोशन भी एक्टिवेट कर सकते हो। कैसे आप लोग करना क्या है, आप लोग यहाँ पर डायल करना है 1112, और जैसे ही आप लोग यहाँ पर डायल करते हो तो यहाँ पर स्लो मोशन का जो चीट एक्टिवेटेड हो जाएगा। और गाइस, अगर आप लोग कोई भी बाइक को, नॉर्मल बाइक को, फ्लाइंग बाइक बनाना चाहते हो तो आप लोग क्या करना है, आप लोग को मून ग्रेविटी का चीट एक्टिवेटेड करना होगा, जो कि अपना 7112 यहाँ पर मैंने कर दिया है। अभी देखो यहाँ पर मैं स्पॉन करा देता हूँ गाइस, किसको, अपनी ट्रॉन बाइक को। यहाँ पर गाइस देखो मैंने ट्रॉन बाइक स्पॉन करा दी, और जैसे गाइस आप लोग इस बाइक को चलाओगे और इसको कहीं पर भी ठोकोगे तो गाइस अपनी बाइक ने फ्लाई होने लगेगी। जी हाँ गाइस, अभी आप लोग को यकीन नहीं आ रहा, अभी आप लोग को करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर ठोक दिया अपनी वॉल में, एंड भाई साहब अब आप लोग यहाँ पर देखो गाइस, जो अपनी बाइक है वो यहाँ पर बन चुकी है गाइस फ्लाइंग बाइक। देखो क्या खतरनाक यहाँ पर जो है फ्लाई हो रही है, तो ये बन चुकी है गाइस अपनी फ्लाइंग बाइक। और देखो यहाँ पर मैं इसको आराम से जो है फ्लाई कर पा रहा हूँ, मतलब भाई अपनी ट्रॉन बाइक है जिसको जो यहाँ पर मैंने फ्लाइंग बाइक जो है बना दिया, मतलब नॉर्मल बाइक को डायरेक्ट फ्लाइंग बाइक जो है बना दिया है। तो भाई कैसे लगी आप लोग ये ट्रिक, फटाफट बता सकते हो। इसके लिए गाइस आप लोग क्या करना है, मून ग्रेविटी का चीट कोड एक्टिवेट कर लेना है। तो गाइस ये थे अपने कुछ यूनिक चीट कोड्स। तो गाइस अब मैं आप लोग को बता देता हूँ यहाँ पर कुछ आरजे स्टोर की बढ़िया बढ़िया सी ट्रिक्स, फिर मैं आप लोग को बता दूंगा अपने न्यू चीट कोड जो कि अपने न्यू अपडेट में आए हैं। तो गाइस फर्स्ट नंबर पर जो अपनी आरजे स्टोर की ट्रिक होने वाली है वो होने वाली है गाइस हाउस की। जी हाँ गाइस, आप लोग इसके लिए क्या करना है, आप लोग यहाँ पर डायल कर देना है गाइस H1। जी हाँ गाइस, आप लोग H1 डायल करते हो तो यहाँ पर जो अपना घर स्पॉन हो जाएगा। और गाइस अगर आप लोग अपने दूसरे घर को स्पॉन कराना चाहते हो तो फिर आप लोग गाइस यहाँ पर डायल कर देना है H2। यहाँ पर जैसे ही गाइस आप लोग H2 डायल करोगे तो यहाँ पर जो अपना गाइस एक और घर स्पॉन हो जाएगा। और गाइस अगर आप लोग यहाँ पर H3 डायल करते हो तो यहाँ पर जो गाइस अपना एक और घर आ जाएगा। देखो ये भी आ चुका है। और आप लोग जरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिखा गाइस मुझे, ये देखो साइड में ये जो है ये शायद टॉयलेट है यहाँ पर देखो। और भाई ये उठ रहा है गाइस, ये बीच में है जमीन पर, ये जमीन पर टिका हुआ नहीं है, ये देखो ये कैसे बीच में मतलब रुका हुआ है एक जगह बीच में, आप लोग देख सकते हो। तो भाई खतरनाक है फिर तो ये अपना घर। तो गाइस अगर आप लोग एक और घर पर स्पॉन कराना चाहते हो फिर आप लोग गाइस H4 डायल करना है। आप लोग जैसे ही H4 डायल करोगे यहाँ पर गाइस अपना एक और घर स्पॉन हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये अपना घर स्पॉन हो चुका है। और गाइस अगर आप लोग यहाँ पर डायल करोगे H5, अगर H5 डायल करोगे तो अपना एक और घर आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर अब जो है अपनी एक और बिल्डिंग स्पॉन हो चुकी है। तो भाई अगर आप लोग 1 से लेकर 10 तक डायल करोगे ना तो आप लोग जो है न्यू हाउस देखने को मिलेंगे, जो कि पूरे 10 के 10 ऐड किए इस गेम के डेवलपर ने। तो गाइस अब मैं आप लोग को बता दूँ यहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स के कोड्स। तो गाइज अगर आप लोगों को सबसे बड़ी बिल्डिंग को स्पॉन कराना है जो कि सामने है, तो इसके लिए आप लोग क्या करना है, आप लोग यहाँ पर B1 डायल करना है। जी हाँ गाइज, आप लोगों को B लिखना है, V नहीं लिखना है। यहाँ पर देखो B1 मैंने लिख दिया है, एंड देखो भाई यहाँ पर सबसे बड़ी वाली जो बिल्डिंग है अपनी स्पॉन हो चुकी है। और गाइज अगर आप लोग इसे छोटी बिल्डिंग को स्पॉन कराना है फिर आप लोगों को यहाँ पर जो डायल करना होगा गाइज B2। जी हाँ गाइज, आप लोगों को B2 लिखना है। यहाँ पर देखो मैंने B2 लिख दिया है, इससे गाइज अपनी एक और बिल्डिंग स्पॉन हो चुकी है। और गाइज अगर आप लोगों को दूसरी बिल्डिंग को कराना है फिर आप लोग जो डायल करना होगा B3 मैंने डायल किया, इससे गाइज अपनी एक और बिल्डिंग आ चुकी है। और गाइज अगर आप लोग यहाँ पर B5 डायल करोगे तो अपनी यहाँ पर एक और बिल्डिंग स्पॉन हो जाएगी। देखो यहाँ पर मैं करा के दिखा देता हूँ, ये देखो B5 मैंने डायल किया और यहाँ पर जो है अपनी ये बिल्डिंग भी स्पॉन हो चुकी है। मतलब बिल्डिंग भी आप लोगों को ऑलमोस्ट 10 देखने को मिलती है इसमें। जी हाँ गाइस, पूरी 10 बिल्डिंग जो है देखने को मिलती है। तो गाइस अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कुछ प्रॉप्स के भी चीट कोड्स, क्योंकि गाइस इसमें जो है प्रॉप्स के भी काफी सारे आइटम आते हैं। जैसे गाइस फर्स्ट नंबर पर जो अपना प्रॉप होने वाला है वो होने वाला है P1। जी हाँ गाइस, P1 यहाँ पर P1 डायल करोगे तो अपनी ये अपनी लाइट स्पॉन हो जाएगी जो कि जलती नहीं है। यहाँ पर देखो मैं नाइट मोड एक्टिवेट करता हूँ, मैंने कर दिया। और देखो भाई ये जो लाइट है नहीं जल रही है, देखो ये जो लाइट अपनी जल रही है, देखो मस्त जल रही है, और जो बिल्डिंग में लाइट है वो भी जल रही है। और गाइस यहाँ पर मैं फिर से डे मोड का एक्टिवेट कर लेता हूँ, ये मैंने कर दिया नाइट मोड से सीधा अपना डे मोड। अब आप लोग क्या करना है गाइस, आप लोग जो इसमें एक और अपनी लाइट देखने को मिलती है जो कि P4 डायल करना है आप लोगों को इसके लिए। यहाँ पर मैंने P4 भी डायल कर दिया, यहाँ पर देखो अपनी एक और लाइट स्पॉन हो चुकी है लेकिन ये जो है गाइस जलती नहीं है। ट्राई करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने 9 डायल किया, ये देखो ना गाइस नहीं जल रही है, सिर्फ अपनी जो है वही वाली लाइट चल रही है। तो ये भी गाइस इसमें जो है कुछ सीन है। और गाइस अब यहाँ पर मैं फिर से डे मोड एक्टिवेट कर लेता हूँ। और गाइस इस बार जो अपना प्रॉप्स में आइटम होने वाला है वो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उसके लिए गाइस आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग जो गाइस डायल करना है P6। या गाइस आप लोग P6 डायल करोगे यहाँ पर गाइस अपना स्टॉपर आ जाएगा। और गाइस अगर आप लोग P7 डायल करोगे तो गाइस यहाँ पर जो अपने डस्टबिन आ जाएगी पूरे 4। और गाइस अगर आप लोग यहाँ पर P8 डायल करोगे तो यहाँ पर जो अपना एक ग्रीन कलर वाला डस्टबिन आ जाएगा। और गाइस अगर आप लोग यहाँ पर P9 डायल करोगे तो यहाँ पर जो गाइस अपना ये कुछ आ जाएगा, और यहाँ पर गाइस आ जाएगा अपनी कुछ ये वॉल, और यहाँ पर जो ग्रास वगैरह भी लगी हुई है अपने इस वॉल के अंदर। तो गाइस नेक्स्ट जो अपना आइटम होने वाला है प्रॉप्स में ये होने वाला है गाइस, आप लोगों को P9 डायल करना है। इसके लिए P9 डायल करोगे तो यहाँ पर देखना गाइस क्या आएगा। यहाँ पर मैंने P लिख दिया है और यहाँ पर 9 लिख दिया है, और जो गाइस इससे स्पॉन हो चुका अपना एक और ये वाटर कूलर है शायद, यहाँ पर बस टंकी वगैरह नहीं लगी हुई है, बाकी इसमें और भी काफी सारी चीजें आती है। P1 से डायल करोगे तो P10 तक जाएगा। और गाइस अब मैं आप लोग यहाँ पर रैंप को भी स्पॉन करा के दिखा देता हूँ। जी इसमें रैंप भी आता है, अगर आप लोग यहाँ पर R1 डायल करोगे तो यहाँ पर जो गाइस अपना रैंप भी आ जाएगा, जिसके ऊपर जो आप लोग कार वगैरह को उड़ा सकते हो। देखो
देखो भाई रैम पर मैंने चीट कोड तो डाल दिया, लेकिन भाई वो जो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो एक काम कर दो, यहाँ पर जो है काफ़ी सारी बिल्डिंग आ चुकी है, तो इनको पहले मैं यहाँ पर एक आदि को हटा देता हूँ, तभी जो है वो दिखेगा। तो सबसे पहले गाइस मुझे यहाँ पर डायल करना है RGS मोड ऑन, यहाँ पर RGS मोड ऑन लिखना है, और जैसे एंटर करता हूँ तो यहाँ पर देखो एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इनके ऊपर गन चलाता हूँ, देखो भाई की जो है गायब हो जाएंगे। ये देखो भाई यहाँ पर गायब हो चुकी है मेरी बिल्डिंग, और ये रहा अपना रैम्प, और अगर मैं रैम्प के ऊपर यहाँ पर गन चलाऊंगा तो रैम्प भी गायब हो जाएगा, और मतलब जिसके ऊपर भी आप लोग ये गन चलाओगे ना वो यहाँ पर जो है गायब होने वाला है। देखो यहाँ पर सभी कुछ गायब हो चुका है। तो अब यहाँ पर जो है गाइस मैं फिर से रैम्प को स्पॉन करा के दिखा देता हूँ R1 चीट कोड से। यहाँ पर देखो गाइस मैंने R1 डायल किया, और भाई बाहर की आवाज़ को इग्नोर करना क्योंकि मैं कहीं और आया हुआ हूँ। तो यहाँ पर देखो भाई अपना रैम्प भी आ चुका है। तो गाइस नेक्स्ट नंबर पर जो अपना कोड होने वाला है वो होने वाला है गाइस अपना वॉल का। जी हाँ गाइस, आप लोग जो है वॉल को भी स्पॉन करा सकते हो। आप लोगों को B1 डायल करना, मतलब W1 डायल करना है, और यहाँ पर जो गाइस अपनी वॉल स्पॉन हो जाएगी। देखो सामने दीवार आ चुकी है, तो यहाँ पर जो गाइस अपनी एक और वॉल आ जाएगी जो कि अपनी न्यू अपडेट में ऐड की गई है। और गाइस अगर आप लोग जो है यहाँ पर W2 डायल करोगे तो यहाँ पर जो गाइस अपनी एक और दीवार आ जाएगी जो कि कुछ इतनी ज़्यादा बड़ी है। मतलब गाइस इसमें आप लोग जो है काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी ऐसी देखने को मिलती है जिनके कोड जो है अभी तक आप लोगों को नहीं पता चले होंगे, लेकिन हाँ ये वीडियो देखने के बाद जो है 110% पता चल चुके हैं। तो गाइज अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ न्यू चीट कोड्स क्या है जो जो मैंने स्पॉन कराए हैं। देखो भाई यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें मैंने यूनिक वाली ले ली है, यहाँ पर ट्रक भी है एंड रोबोट वगैरह भी है, और भी देखो यहाँ पर जो है एनिमल वगैरह, मतलब न्यू यहाँ पर जो है मैंने स्पॉन करा लिए। तो इनको कैसे स्पॉन कराना है चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लेकिन भाई काफ़ी देर से बोल रहे हो जो अपना घर है ना इसको जो यहाँ पर कलर चेंज करके दिखा दो। तो भाई अगर आप लोग इस घर का कलर चेंज करना चाहते हो तो आप लोग गाइस डायल करना है यहाँ पर हाउस कलर। जी हाँ आप लोग RGS टूल में आना है और हाउस कलर डायल करना है, और जिस कलर में करना चाहते हो वो लिख देना है। यहाँ पर मैं रेड में करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर रेड लिख दिया। तो देखो भाई जो अपने हाउस का कलर है वो यहाँ पर रेड हो चुका है। देखो गाइस अपने जो अपना घर था ये इसका कलर रेड हो चुका है, और गाइस अगर आप लोग इसको ग्रीन करना चाहते हो तो फिर आप लोगों को डायल करना है गाइस हाउस कलर, और आप लोग यहाँ पर ब्लू लिख देना है। यहाँ पर देखो मैंने जो है गाइस ब्लू लिख दिया है, और देखो अपने घर का जो कलर है वो यहाँ पर ब्लू हो चुका है। मतलब गाइस आप लोग जो है अपने घर को RGB कलर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर ये करना है तो आप लोग लिखना है गाइस हाउस कलर, या गाइस अगर आप लोग हाउस कलर लिखोगे तो यहाँ पर जो गाइस RGB में भी हो जाएगा। यहाँ पर देखो RGB में भी हो चुका है अपने हाउस का कलर। तो मतलब आप लोग जो गाइस हाउस का भी कलर चेंज कर सकते हो अपने इस RGS टूल की मदद से। एंड और भी इसमें काफी सारी ट्रिक आती है, जैसे गाइस अगर आप लोग यहाँ पर डायल करोगे हेलीकॉप्टर तो देखो यहाँ पर जो गाइस अपना हेलीकॉप्टर भी आ जाएगा। ये मैंने डायल किया, और भाई स्काई में देखो अब जो यहाँ पर हेलीकॉप्टर आने वाला है कुछ देर में। मतलब अगर आप लोग यहाँ पर जेट डायल करोगे तो एक बार करोगे तो एक ही जेट आएगा, और गाइस अगर मल्टीपल टाइम करोगे तो मल्टीपल जेट आएंगे। मतलब जितने डायल करोगे उतने ही आएंगे। देखो सामने आप लोग देख सकते हो जेट भी जा रहा है और अपना हेलीकॉप्टर भी जा रहा है। देखो टोटल 2 जेट है और एक हेलीकॉप्टर है, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर वो मैंने सिर्फ एक बार डायल किया, और जो जेट था वो मैंने 2 बार डायल किया था। तो ऐसे गाइस आप लोग जो है जेट को एंड हेलीकॉप्टर्स को भी स्पॉन करा सकते हो अपने स्काई में। क्या चीट कोड था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो भाई आई होप ये आप लोगों को RGS टूल की जो ट्रिक्स है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी होगी, और जो मैंने चीट कोड है वो भी आप लोगों को बता दिए वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया लगे होंगे। अब मैं आप लोगों को स्पॉन करा के दिखा देता हूँ गाइस इन न्यू व्हीकल्स को जो मैंने यहाँ पर स्पॉन कराए हैं। जैसे गाइस आप लोग यहाँ पर रोबोट को देख सकते हो और एनिमल्स को देख सकते हो, एंड और भी यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो यूनिक जो मैंने स्पॉन कराई है। अब आप लोगों को इनको कैसे स्पॉन कराना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो भाई सीन कुछ ऐसा आपको बताया, आप लोग जो भी कमेंट करते हो इसमें जो है वो ऐड होता है। आप लोगों ने लास्ट टाइम क्या किया था गाइस, आप लोगों ने निशान GTR कार के जो है मुझे कमेंट करके बताए थे कि भाई निशान GTR कार को स्पॉन कराओ। निशान GTR कार जो है ऐड करवा दिए जिसका चीट कोड अपना 3005। और गाइस अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे भाई हमारे लिए जो है रोबोट को ऐड करवाइए, तो गाइस मैं क्या करूंगा गाइस आप लोगों के लिए फिर रोबोट को भी ऐड करवा दूंगा। तो ठीक है गाइस फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए, और जो ऐड करवाना है मतलब बस ऐड करवानी है या फिर ऑटो रिक्शा ऐड करवाना है या फिर जो भी ऐड करवाना है फटाफट कमेंट सेक्शन में बोल दो मुझे, फिर मैं आप लोगों के लिए वही ऐड करवा दूंगा। तो फटाफट कमेंट कर दो, कमेंट करना बिल्कुल फ्री है। और गाइस इस वीडियो को लाइक भी कर दो, और सब्सक्राइब भी नहीं किया चैनल को तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर दो, क्योंकि फ्यूचर में मैं आप लोगों को ये यूनिक चीट कोड भी बताने वाला हूं, मतलब सीक्रेट चीट कोड जो है ये सब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, इसलिए गाइस अभी फटाफट सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस आज की वीडियो को मैं यही एंड करता हूं गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं गाइस आप लोगों से इसकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए ट्राई करते हुए, कुछ नए चीट कोड बताते हुए गाइस। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। We'll be right back.